यानी आपने एक ऐसा फंक्शन लेना है जो कि इनपुट फंक्शन हो और यूजर जो है वो 9 डिजिट्स ही एंटर करे। अगर वो 9 से ज्यादा डिजिट्स एंटर कर देता है तो फिर आपका फंक्शन जो है वो उसे बताना चाहिए कि आप 9 डिजिट्स ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसी प्रॉम्प्ट आनी चाहिए, ठीक है। ओके, व्हेन यू रन द प्रोग्राम फॉर आउटपुट देन दिस नंबर शुड बी द 9 डिजिट्स ऑफ योर स्टूडेंट आईडी। फॉर एग्जाम्पल इफ योर आईडी इज दिस देन द इनपुट विल बी दिस। यानी कोई भी स्ट्रिंग नहीं आनी चाहिए, इंटीजर्स नंबर आने चाहिए, ठीक है। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए इनपुट फंक्शन जो है वो तो हमने डिफाइन कर लिया है कि इसे वेरिएबल हमने एक्स का नाम दिया है, इनपुट फंक्शन लिया है और हमने ये स्टेटमेंट दी है कि डियर स्टूडेंट प्लीज एंटर 9 डिजिट्स ऑफ योर स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और हमने स्पेस दी और एंड पे हमने सेमी कॉलन भी यूज कर लिया है। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने इसकी इनपुट देनी है। अब इसे हम जरा ना रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। इसे ये हमने रन किया, ये देखिए ये आया हमारे पास डियर स्टूडेंट प्लीज एंटर 9 डिजिट्स ऑफ योर स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे तो हमने 9 डिजिट्स एंटर कर दिए जी, मैंने कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 9 डिजिट्स हो गए। लेकिन अब अगर मैं एक और डिजिट ऐड करूँ वो भी आराम से लिखा जा रहा है, कोई मसला ही नहीं है, एंटर किया तो बस कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना है, ठीक है। हमने ऐसा फंक्शन बनाना है कि अगर 9 डिजिट से ज्यादा हो जाए तो फिर कोई वो एक्शन ले हमारा जो फंक्शन है जी। इस चीज को हैंडल करने के लिए एक हमने व्हाइल लूप यूज की है। क्या है, हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है टी इक्वल टू जीरो और हमने एक नया वेरिएबल ले लिया है उसे इस एक्स के इक्वल कर दिया, ठीक है, जो हम इनपुट ले रहे हैं क्योंकि बाद में हमने इसे यूज करना है तो वहां पे जाकर ये मुश्किल पेश ना करे इसलिए। ओके, जी इक्वल टू एक्स हो गया। अब व्हाइल लूप हमने लगाई है कि एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 से बड़ा हो तो फिर उसे डिवाइड करते जाए 10 से और टी जो है वो 1 इंक्रीज करता जाए, ठीक है। व्हाइल लूप हमने लगाई है कि 10 से छोटा नंबर यानी कि 9 डिजिट्स हमारे पास आते जाएं और जब तक हमारे पास 9 डिजिट्स आते जा रहे हैं ये लूप जो है चलती जा रही है और फिर टी इक्वल टू टी प्लस 1 हो रही है और यहाँ पे ये एंड हो रही है, ठीक है। अब ये लूप तो हमने लगा दिया, अब इस लूप का हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। अभी तो हमने यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, इफेक्ट हमें नजर नहीं आएगा। लेकिन अब हम इसे आगे करते हैं जी। ये देखिए अब ये लूप हमने यहाँ पे यूज तो कर लिया। अब ये है कि इफ t is not equal to 9, अगर t जो 9 के इक्वल नहीं है यानी 9 से अगर बड़ा है या छोटा है तो फिर हमारे पास स्क्रीन पे आएगा योर स्टूडेंट आई डी इज इनकोरेक्ट, ठीक है। और अगर हमने ये दूसरी स्टेटमेंट यूज किया कि अगर t इक्वल टू 9 है, हमारे पास ये डबल इक्वल टू साइन है, ठीक है, t इक्वल टू 9 है तो फिर ये शो होगा कि योर स्टूडेंट आई डी इज दिस, ठीक है, स्टूडेंट आई डी जो है वो शो हो जाएगी। ये z वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था हमने ये वाला यूज किया यहाँ पे और फिर ये डिस्प्ले z कर देगा, यानी डिस्प्ले कर देगा हमारी आईडी को। इसे रन करके हम देखते हैं, ये देखें ये अब मैंने रन किया है इसे, ये स्टूडेंट प्लीज एंटर 9 डिजिट्स ऑफ स्टूडेंट आईडी, ठीक है। मैंने कमांड विंडो ओपन की है, अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी अगर मैं लिख रही हूँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंटर किया तो ये आईडी उसने शो कर दी है, ठीक है, योर स्टूडेंट आईडी इज दिस। अब अगर मैं दोबारा से इसे रन करती हूँ, ठीक है, ये मैं इसे करती हूँ दोबारा से रन किया हमने, ये देखिए ओके दोबारा से रन किया। अब यहाँ पे अगर मैं डिजिट्स डाल रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड एक और मैंने डाल दिया 2, ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या आता है, योर स्टूडेंट आई डी इज इनकोरेक्ट, ठीक है। ये देखिए एक नंबर ज्यादा किया तो उसने ये बता दिया। अब इसी तरह से अगर मैं दोबारा से करती हूँ, रन करती हूँ और एक नंबर छोटा डाल दूंगा, ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट आई डी आ गई। अब यहाँ पे मैं करी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कर लेती हूँ, ठीक है, 9 डिजिट्स होने चाहिए ना। फिर हमने किया एंटर, तो देखिए फिर कह दिया योर स्टूडेंट आईडी इज इनकरेक्ट, यानी कि 9 डिजिट्स ही आप एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है जी। ये देखिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि कोई ऐसा प्रोग्राम आप बनाएं कि 9 डिजिट्स को ले, 9 डिजिट्स लेने वाला हमने एक प्रोग्राम बना लिया है जो कि सिर्फ 9 डिजिट्स ही ले रहा है, ओके, और इंटीजर्स ही ले रहा है, हमने कोई स्ट्रिंग पास नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देन यूज द कंडीशनल स्टेटमेंट टू चेक दैट इफ द नंबर इज इवन और ओड। अब हमने ये जो स्टूडेंट आईडी एंटर की है ना, इसका हमने देखना है कि ये इवन है या ओड। इसके नंबर्स डिजिट्स नहीं देखने, मतलब है तो ये 9 डिजिट्स, 9 हम जब भी करेंगे तो वो ओड ही देगा, हमने उसके नंबर्स नहीं देखने। हमने ये जो हमारे पास ये है ना इसकी पूरी स्टेट ये
आईडी है जैसे, ठीक है 19002034 जैसे ही हमारे पास इवन है, तो ये हमने बताने की हमारे पास आईडी जो है वो इवन है या ओड है। यहाँ पे देखिए मैंने ये कंडीशन इफ की यूज की है, सबसे इससे पहले मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वाई के जो कि जी के इक्वल है, मतलब जो हमने आइडेंटिटी सेव की है ना अपनी आईडी, ठीक है वो उसके इक्वल मैंने कर दिया ताकि ये बाद में जाकर मुश्किल पेश ना करे एक ही वेरिएबल अगर हम यूज करेंगे तो। ओके अब हमने पहले एक टी यूज किया था जब वाई लूप के लिए, अब टी अगर इक्वल है 9 के और ठीक है एंड की कंडीशन है और जो इसका रिमाइंडर है ना जब हम 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आए तो फिर हमारे पास जो आईडी हमारी होगी वो इवन होगी, ठीक है मतलब अगर हम अपनी आईडी को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है तब हमारी आईडी जो है वो इवन होगी, लेकिन इससे पहले ये कंडीशन चेक हो कि वो जो हमारे पास नंबर है वो 9 के इक्वल भी है या नहीं, अगर हम ये भी स्किप कर देंगे तो हमारे पास इसमें भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा और वो थोड़ी सी मुश्किल पेश कर देगा, ठीक है। ओके यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगा ली कि टी इक्वल टू 9 है मतलब 9 डिजिट्स हैं हमारे पास और उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो फिर ये डिस्प्ले हो जाएगा योर आईडी नंबर इज इवन, ठीक है इसे हम करके देख लेते हैं, रन करके देखते हैं। ये जी हमने ओके एटलीस्ट 1 एंड इज मिसिंग द स्टेटमेंट बिगिनिंग हियर डज नॉट हियर अ मैचिंग एंड, ओके इसका एफ इफ का हमने एंड नहीं लगाया है यहाँ पे, ओके इफ स्टेटमेंट के साथ हमेशा एंड होता है। अब हम इसे करते हैं रन दोबारा से करके देखते हैं, इसमें छोटी से छोटी गलती जो है वो भी हमारे पास ना कर देती है ये देखिए अब हमारे पास आ गया डी स्टूडेंट प्लीज एंटर 9 डिजिट्स ऑफ योर स्टूडेंट आईडी, ओके मैं कर रही हूँ जी मैंने 2 कर दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या ये इवन है, हमने चेक करना है कि इवन है या नहीं, ये देखिए योर आईडी नंबर इज इवन है क्योंकि 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। ओके अब इवन के लिए तो हमने देख लिया, अब हमने ओड के लिए देखते हैं, ओड के लिए क्या है कि अगर टी इक्वल टू 9 है मतलब टी इक्वल टू 9 होगा तो फिर नेक्स्ट कंडीशन आएगी कि देखिए हम इवन है कि ओड है, ठीक है अब टी इक्वल टू 9 है और उसका जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 अगर आए तो फिर हम कहेंगे कि आईडी जो है हमारी वो ओड है, ठीक है इसे रन करके हम देख लेते हैं। जी ये हमने रन किया है मेरा बस, ठीक है प्लीज स्टूडेंट अच्छा जी स्टूडेंट प्लीज एंटर योर आईडी, अब मैं आईडी एंटर कर ली और नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ये हमने एंटर किया तो हमारे पास आ गया योर आईडी नंबर इज ओड, ठीक है ओड है। अब मैं दोबारा से इसे रन करती हूँ, रन करके ना हम ऐसा करते हैं कि ओड डालते हैं नंबर लेकिन कम डालते 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8 डाले हैं और ये ओड नंबर है लेकिन ये देखिए तो स्टूडेंट आईडी इज इनकरेक्ट, तो नेक्स्ट कंडीशन पे ही तब जाएगा जब हमारे पास टी जो है वो 9 के इक्वल आएगा मतलब हमारे जो डिजिट्स होंगे वो 9 पूरे होंगे तो वो चेक करेगा ये इवन है कि ओड है। जी तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो था 5 मार्क्स का ये भी पूरा हो चुका है कि देन यूज द कंडीशनल स्टेटमेंट टू चेक दैट इफ द नंबर इज इवन और ओड, ये भी हमने चेक कर लिया। ओके अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है इफ द नंबर इज इवन देन डिवाइड द नंबर विद 2 एंड सेव द रिजल्ट इन अ वेरिएबल आईडी, ठीक है मतलब अगर हमारे पास जो नंबर वो इवन आता है तो फिर उसे 2 से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर है उसे हमें सेव करना है इस वेरिएबल आईडी में। इसके लिए देखिए यहाँ पे ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है एफ इक्वल टू एट द रेट ऑफ वाई हमारे पास वेरिएबल है और वाई को हम डिवाइड करें इस पर फंक्शन लगा रहे उसे डिवाइड करें हमने 2 से, ठीक है और फिर हमने एक नया वेरिएबल ले लिया आईडी जो कि इक्वल आएगा एफ ऑफ वाई के यानी कि जब हम फंक्शन इस पे अप्लाई करेंगे इसके, ठीक है तो ये देखिए ये हमने इस पर कंडीशन लगा ली कि अगर हमारे पास ये तब होगा कि जब हमारे पास हमारा जो नंबर है वो इवन होगा तो फिर ये फंक्शन उस पर रहेगा, ठीक है इसे हम अब फिर से रन करके देखते हैं, साथ साथ आप लोग रन करके देखते जाइएगा कि आप लोगों का जो फंक्शन है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है साथ साथ करेंगे तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ओके यहाँ पे मैं कोई इवन नंबर ले रही हूँ, नहीं हो गई 3 4 5 6 7 नहीं 5 6 7 8 9 ठीक है अब जी एंटर किया तो ये देखिए उसने 2 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास ये नंबर आ गया, ये देखिए हम एक्सपेंड करके देखते हैं आईडी, ये देखिए वेरिएबल भी हमारे पास आईडी आया आईडी इक्वल्स टू 111 एंड 111, ये देखिए पूरा शो हो गया पूरा भी हमने जो काम किया है योर आईडी नंबर इज इवन है और फिर उस पर ये फंक्शन अप्लाई हुआ और हमारे पास ये वेरिएबल आ गया। ओके
जी तो ये देखिए ये हमने काम कर लिया है, क्या किया है कि अगर हमारे पास नंबर 1 है तो वो 2 से डिवाइड कर देगा और उसके रिजल्टेंट को आईडी वेरिएबल में सेव कर देगा। ओके नेक्स्ट है कि वेयर एज इफ द नंबर इज ओड, अगर ओड है देन सेव द ओरिजिनल 9-डिजिट नंबर इन द वेरिएबल आईडी। ठीक है, अगर ओड नंबर आएगा तो फिर हमने वही हमारे पास जो ओड नंबर है ना 9 डिजिट उसे ही हमने सेव कर देना वेरिएबल आईडी में। ठीक है, उसके लिए देखिए यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो ओड आया था और यहाँ पे इसने आईडी इक्वल टू वाई कर दिया, यानी ये जो हमारे पास वाई आइडेंटिटी है वो वेरिएबल आईडी में सेव हो गई। ठीक है, इसे हम आप फिर से रन करके देखते हैं। ये देखिए जी स्टूडेंट प्लीज एंटर 9 डिजिट्स ऑफ योर आईडी। अच्छा जी आईडी में हम कर रहे हैं अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, मैं और नंबर्स ले रही हूँ ताकि मुझे पता चले ये ठीक आया है कि नहीं आया। ये देखिए योर स्टूडेंट आईडी इज आईडी नंबर इज ओड एंड आईडी इक्वल्स टू देखिए तो उसने आईडी वेरिएबल में इसे सेव कर दी। ये तो हमारे पास ये 3 पार्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि प्लॉट हमने क्यों करने हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने हैं और वो किस तरह से है कि ये 2 फंक्शन हमें दिए गए हैं साइन एक्स और कॉस एक्स। यहाँ पे जो हमारे पास डोमेन है वो हमें किस तरह से दी गई है कि जो हमारी आईडी होगी ना उसने एक्स से मल्टीप्लाई हो जाना और एक्स क्या चीज है हमारे पास ये इंटरवल। ठीक है, तो इसी तरह से कॉस एक्स है उसमें भी जो हमारे पास डोमेन है वो आईडी मल्टीप्लाई बाय एक्स है, यानी हमारी जो आईडी है ना जो स्टूडेंट आईडी है उसने मल्टीप्लाई होने हैं इस इंटरवल के साथ। ये देखिए पहले तो हम अपने इंटरवल को डिफाइन कर लेते हैं। इंटरवल हमारा क्या है, -10 से 10 तक है और मैंने इंक्रीमेंट लिया है 2 का। ठीक है, यानी 2 इसमें ऐड होते जाएंगे और फिर हमारे पास ये इंटरवल कम्प्लीट होगा। ओके, डोमेन मैंने लिया है हमारे पास क्या है कि आईडी मल्टीप्लाई बाय दिस इंटरवल। तो ये देखें आईडी मल्टीप्लाई बाय स्टेरी दिस इंटरवल, लेकिन अगर हम अकेला स्टेरी यूज करते हैं ना तो फिर अब ये तो हमारे पास एक पूरी अरे बन रही है। ठीक है, ये ऐसे है ना जब हम अरे डिफाइन करते हैं तो उसमें हम ये कोलोन जो है वो यूज करते हैं, तो फिर जब हम इसे इसमें हम अकेला स्टेरी यूज करेंगे ना आईडी स्टेरी इंटरवल तो फिर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं देगा। अब अरे के साथ जब हम मल्टीप्लाई एक किस्म का मैट्रिक्स है ना, और जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं पूरी अरे के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है किस चीज को, तो हम ये डॉट यूज करते हैं। ठीक है, ये डॉट। ओके, अब हम क्या करेंगे आईडी डॉट स्टेरी इंटरवल। अब वो क्या करेगा कि इस सारे इंटरवल के साथ ना आईडी को मल्टीप्लाई करता जाएगा। मतलब जैसे हमारे पास -10 के बाद -8 आएगा, -8 के साथ भी वो इस आईडी को मल्टीप्लाई करेगा, फिर -6 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, मतलब तमाम एलिमेंट्स के साथ इसे मल्टीप्लाई करता जाएगा, हमारे पास ये डोमेन बन जाएगा। उसके बाद हमने रेंज क्या है हमारे पास साइन और डोमेन, यानी जहां पे हमारे पास यही चीज थी ना अभी हमने इसे नया वेरिएबल दे दिया है डोमेन, तो साइन डोमेन। ठीक है, रेंज इक्वल्स टू साइन डोमेन। अभी हमारे पास एक प्लॉट बन गया। प्लॉट हमने क्या करना है, ये डोमेन ये इंटरवल है हमारे पास कंप्लीट और साइन डोमेन। ठीक है, गेंदा। ठीक है, ये हमने डिफाइन करना है और ये कलर्स हमने डिफाइन करना है। ये यहाँ पे आपको दिया गया है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये आपको कलर्स बताए गए हैं कि अगर आपके जो स्टूडेंट आईडी आपकी पर्सनल स्टूडेंट आईडी है ना उसके लास्ट पे अगर 0 आ रहा है तो फिर आपने प्लॉट्स के कलर क्या रखने हैं, ब्लू और ग्रीन। अगर 1 आ रहा है तो रेड एंड ग्रीन, अगर 2 आ रहा है तो रेड एंड येलो, 3 आ रहा है तो ब्लैक एंड ग्रीन। ठीक है, इसी तरह से आपने चेंज कर लेनी है। मैं आपको बताती हूँ आपने कहाँ पे चेंज करना है। ये देखिए 9 तक है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए अब ये है आप, ये रेड कलर है। अगर आपका येलो है तो आपने वाई कर देना है इन दिस हाफ। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपने यही चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे जी अच्छा ये तो हो गया हमारे पास एक ग्राफ की बात हो गई, इसे हम इकट्ठा ही रन करेंगे अब एक साथ ही। अब हम दूसरा प्लॉट भी देख लेते हैं। दूसरा जी हमने क्या करना है, एक तो हमारे पास प्लॉट का डिफाइन हो गया, अब दूसरा प्लॉट भी सेम इसी तरह है लेकिन सिर्फ साइन की जगह पे कॉस है, सिर्फ इतना सा उसमें फर्क है। सर जब भी हमने एक ही ग्राफ में हमने ज्यादा सारे प्लॉट्स करने होते तो फिर हम होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, होल्ड ऑन। ठीक है, और फिर हमने इसी में ये प्लॉट डिफाइन कर दिया। अब इसकी डोमेन तो सेम ही है, सिर्फ हमारे पास साइन की जगह पे कॉस है और इसमें कलर्स में डिफरेंट होगा। ठीक है, रेड एंड येलो, ये देखिए रेड है, यहाँ पे येलो है। आपका जो अकॉर्डिंग टू योर व्यू आईडी आपका लास्ट डिजिट है उस लिहाज से आपने कलर यहाँ पे चेंज कर लिया है। ओके, और उसके बाद आ गया होल्ड ऑफ, और इसके बाद फिर आप दे सकते हैं टाइटल का, दे सकते हैं कि टाइटल लिख के यहाँ पे हम लिखते हैं टाइटल। ठीक है, टाइटल आपने देना है इन दिस। ओके, यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे दीजिए, ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, लेकिन ये आपको रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी स्टूडेंट आईडी रखनी है। यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी को लिख लेते हैं MC 1234567 8 9। ओके, ये हमारे पास टाइटल। अब हम इसे रन करके देखते हैं।
ये रन हुआ हमारे पास। यहाँ पे देखिए पहले ये सारी चीज आएगी कि अपना स्टूडेंट आईडी एंटर करें। यहाँ पे जी मैंने स्टूडेंट आईडी एंटर कर दी, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो हम चेक कर चुके हैं। ये देखिए उसने हाफ करके उसे यहाँ पे सेव भी कर दिया है और अब इसको यूज करते हुए उसने ये ग्राफ भी बना दिया, ठीक है। ये देखिए आपको ये फिगर शो हो रही है, ठीक है। ये इसका ग्राफ बन चुका है जिसका टाइटल देखिए हमारी वही आईडी है जो कि हमने यहाँ पे टाइटल अपना रखा है और ये सारे इंटरवल भी शो हो गए हैं। और ये कलर्स देखिए, ये ग्राफ पे कलर्स भी रेड एंड येलो है जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे, ठीक है। अब आपने इसे अपलोड कैसे करना है, सेव कैसे करना है, आपने जाना है अपनी LMS आईडी पे जहाँ पे असाइनमेंट टैब है, असाइनमेंट ओपन करनी है आपने, जहाँ पे सबमिट करते हैं। और लास्ट टाइम जैसे आपको असाइनमेंट 1 आई थी, ठीक है, आपने इस सारे को आपने कॉपी करना है, वहां पे पेस्ट करना है और इस पिक्चर को भी आपने पहले सेव कर लेना है, ठीक है। चले मैं इस पे, अगर आप हो जाएगा इजीली आप लोगों से आप करेंगे ना, तो आप लोग पहले से समझ लीजिएगा और फिर इसमें वेरिएबल्स का डिफरेंट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस कीजिएगा और कलर्स जो है अपनी आईडी के लिहाज से आपने रखने हैं, ठीक है। और टाइटल भी आपने अपना आईडी रखना है, अपनी स्टूडेंट आईडी। तो अगर आप लोगों को इससे थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ये देखिए मैं आपको शुरू से फिर दिखा देती हूँ सारी साइन, ठीक है। ये देखिए कॉपी पेस्ट काम आप ना कीजिएगा, आप पहले समझिएगा, बहुत इजी है। देखिए अब ये टाइटल और ये हमारा एंड हो गया, ओके। बस ये छोटी सी हमारे पास असाइनमेंट है, अगर आप लोग समझ के करेंगे तो बहुत इजी है और अगर समझ के नहीं करेंगे तो आप लोगों के बहुत मुश्किल लगेगी, ओके। यहीं पे हम खत्म करते हैं इस वीडियो को और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।